कि देख सकते हैं ये एक्शन गाड़ी है, ऑटोमेटिक एक्शन ऑटोमेटिक पेट्रोल गाड़ी में, पेट्रोल गाड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है, गियर में प्रॉब्लम आ रहा है। अगर हम स्टार्ट करते हैं, गियर डालते हैं ना, तो गाड़ी झटका ले रही है। ये स्मार्ट की गाड़ी है, स्टार्ट की गाड़ी देख सकते हैं। इसके अंदर चेक लाइट भी शो कर रही है, और जैसे हम गियर डालेंगे गाड़ी झटका मार रही है। ये देखिए क्या हो रहा है गाड़ी में। अभी ये डी में डाला, इसको लिया मैंने मैनुअल में, जैसे डायरेक्ट थ्री गियर पे गाड़ी जा रही है, डी मैनुअल डायरेक्ट ये गाड़ी तीसरे गियर पे चलती है। तो अभी हम उसको स्कैन करके रखेंगे। हुंडई सोलह पिन ऑटोमेटिक, ओके। अभी इसके अंदर हम ईसीएम में चेक करेंगे, तो शायद इसका कोई चेक लाइट तो आ रहा है, तो कोई फॉल्ट कोड नहीं दिखाया गया ईसीएम में। रीड फॉल्ट कोड देखिए, ईसीएम में इसका कोई फॉल्ट कोड नहीं है। अब हम बाइक जाएंगे, अब इसका फॉल्ट कोड चेक करेंगे टीसीएम में। ये टीसीएम है, इसके अंदर फॉल्ट कोड आ रहा है शिफ्ट कंट्रोलर सोलनॉइड वाल्व का, टॉर्क कन्वर्टर शिफ्ट कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व, ये चार फॉल्ट कोड है। टीसीएम में फॉल्ट कोड आ रहा है। इधर इसको सबसे पहले हम एक बार इसका फॉल्ट कोड क्लियर करके देखेंगे, उसके बाद क्या फॉल्ट आ रहा है। फॉल्ट कोड क्लियर किया, फॉल्ट कोड क्लियर हो गया। अभी गाड़ी इसको बाइक देंगे, अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे। लाइट जा चुकी है चेक लाइट, अभी गियर डालता हूँ। वापस झटका ले रही है गाड़ी, अभी भी गाड़ी तीसरे गियर पे ही चल रही है। गाड़ी का गियर डायरेक्टली तीसरे गियर पे जा रहा है, झटका भी है। एक बार इसको वापस स्कैन करेंगे, अभी फॉल्ट कोड चेक करेंगे, वापस वही सेम फॉल्ट कोड है। रेड डाटा स्ट्रीम, गियर रेटियो 0 आरपीएम, नेक्स्ट गियर पोजीशन 3। ये देखिए डायरेक्टली 3 दिखा रहे, नेक्स्ट गियर पोजीशन 1 पे नहीं जा रहेगा, नेक्स्ट गियर पोजीशन 1 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, भाई डायरेक्टली 3 दिखा रहे। प्रेशर 0, आउटपुट स्पीड 0, इसमें प्रॉब्लम है ईसीएम का। इसका जो ईसीएम आता है, आगे चेक करता हूँ, पेट्रोल गाड़ी है, इसका जो ईसीएम है 2 सॉकेट वाला ईसीएम है। इसका ईसीएम और टीसीएम दोनों इसमें ही रहता है, गियर का भी पूरा फंक्शन इसमें ही रहता है ईसीएम के अंदर। इसका प्रॉब्लम ईसीएम के अंदर है। अब इसको खोल के चेक करेंगे, इसमें ईसीएम में कुछ रिपेयर हो सकता है या क्या, नहीं तो चेंज करना पड़ सकता है। ये सेम फंक्शन द्वारा i20 में भी आता है, वरना फोल्डिंग में भी आता है, और अच्छा ये टीसी गियर का प्रॉब्लम में आते ही आते हैं। तो अब इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, ओपन करके चेक करेंगे ज़रा क्या प्रॉब्लम है। सर की दोस्तों देख सकते हो, ये ईसीएम खोल के लिया, इसके प्रॉब्लम था उसको रिपेयर करके लिया हूँ।
तो अभी इसको हम गाड़ी में लगा के चेक करेंगे कि हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। गाड़ी हमारी इधर ही, इसको भी हम लगा के चेक करेंगे, इसको फिटिंग करके चेक करते हैं अभी गाड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। एसीएम को वीएसएस सॉकेट लगा के लिया है, इसको स्टार्ट करके देखेंगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, रिपेयरिंग एसीएम को जो रिपेयर किया हमने प्रॉपर हुआ है कि नहीं। स्टार्ट करेंगे, सही देख सकते गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, गियर डालते कभी झटका नहीं ले रही है गाड़ी, डी मैनुअल में लगे फर्स्ट गियर, पहले तीसरा गियर में जा रही थी गाड़ी सीधा, फर्स्ट गियर में मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। प्रॉब्लम था एसीएम से था, एक बार इसका स्कैनिंग करके देख लेंगे, स्कैनिंग में हमारा जो प्रॉब्लम फॉल्ट कोड दिखा रहा था वो क्लियर हो रहा है अब कि नहीं। पहले जैसा था कि फॉल्ट कोड हमारा जो आ रहा था क्लियर हो रहा था पर रिटर्न आ जाता था, वापस चेक करेंगे। सोलो पिन ऑटोमेटिक सर्च ओके, हम टीसीएम रेड फॉल कोड टॉक कन्वर्टर क्लच एक फॉल कोड दिखा रहा है, तो उसको हम अभी क्लियर करके देखेंगे एक बार, हमारा फॉल कोड क्लियर हो गया है। अब गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देखेंगे, वापस फॉल कोड आ रहा है क्या, बाकी का फॉल कोड जा चुका है, ये एक फॉल कोड शो कर रहा था, गियर को गियर डाल के देखेंगे ओके। नो ट्रबल कोड, अभी हमारा कोई फॉल कोड नहीं, हमारा काम प्रॉपर हो गया है। डाटा स्ट्रीम चेक कर लेंगे जैसे कि पहले दिखाया था, नेक्स्ट गियर पोजीशन वन, पहले डायरेक्ट थ्री आ रहा था, ऑयल टेम्परेचर पहले माइनस जा रहा था फिर माइनस से हट गया है, फिर हम गियर डालेंगे फर्स्ट गियर में, अभी सेकंड डाले सेकंड में आया, फर्स्ट सेकेंड किया सेकेंड आया, तो अभी हमारा प्रॉब्लम ओके, अभी गाड़ी हमारा ओके है, कोई फॉल्ट कोड नहीं है, नो ट्रबल कोड, हमारा काम प्रॉपर हो गया।